आज का हमारा चैप्टर है वो है हॉररी प्रश्न कुंडली। आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर नहीं है सामने वाले व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, सबसे सटीक मेथड होता है हॉररी चार्ट। हॉररी चार्ट, हॉररी चार्ट आपको बताऊं एक तरह से प्रश्न कुंडली का ही रूपांतरण है। प्रश्न कुंडली जो भारतीय ज्योतिष में चलती है, प्रश्न कुंडली जो होती है भारतीय ज्योतिष के अंदर, जब भी व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो हम उस समय की लगन के हिसाब से जो लगन चल रही होती है तो एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। परंतु इस बात में विडंबना यह है कि ये प्रश्न कुंडली लगभग एक लगन की अगर बनाएंगे तो लगभग 2 घंटे तक एक लगन सेम रहने वाली है, जहां आपके पास एक व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, हो सकता है 10 व्यक्ति भी 2 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन कर दें, तो क्या आप सेम प्रश्न कुंडली से सभी को रिप्लाई देंगे? और मे भी हो सकता है सेम क्वेश्चन अगर कर लें तो दोनों का रिप्लाई आंसर तो अलग अलग होना चाहिए, पर हमारी मजबूरी ये रहेगी कि हम सेम देंगे उनको आंसर। इसलिए जो ड्रॉबैक्स हमारी प्रश्न कुंडली में रह गए हैं उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में हॉररी चार्ट का जन्म हुआ। ये जो हॉररी बोली जाती है ये हमेशा करंट डेट और टाइम की लगाई जाएगी। जब भी व्यक्ति आपके पास आता है या वो क्वेश्चन जब करता है, एक बात, दूसरी बात, उसने क्वेश्चन कर भी दिया और आप अपने डेस्टिनी प्लेस पर नहीं हैं, तो आप जब बैठेंगे, आप उस चीज को, जब आपके पास टाइम होगा उसके क्वेश्चन को देखने के लिए, वो टाइम कंसीडर करना है। वो टाइम कंसीडर करना है जब आपके पास टाइम होगा। और प्लेस जो लेना होता है इसमें एस्ट्रोलॉजर प्लेस लेना होता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा हुआ है वो प्लेस आप कंसीडर करेंगे, ना कि क्वेश्चन वाले व्यक्ति का प्लेस। तो ये पैरामीटर्स हमें बनाने होते हैं। अब जो हॉररी है, जो आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये ऊपरली वाली प्रश्न कुंडली से डिफरेंट है, इसके लिए सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे पास हॉररी के अंदर 1 से लेकर 249 सब लॉर्ड्स होते हैं, 1 से लेकर 249 ये जो नंबर है ये सब लॉर्ड के नंबर है। हर एक नंबर का एक फिक्स सब लॉर्ड होता है और हमने इन सब लॉर्डों को इस हिसाब से डिजाइन किया है, इस हिसाब से बनाया है केपी के अंदर कि आप जब देखेंगे टूल्स के अंदर, जब आप जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स बटन के अंदर जाएंगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन है सो सब लॉट टेबल्स और सब सब लॉट टेबल्स, जब इस टूल्स को आप ओपन करके क्लिक कर देंगे तो यहां हमने हर टूल के लिए एक अलग अलग पैरामीटर बनाया हुआ है। जैसे जब आप सो सब लॉट टेबल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले जो नंबर है 1, कौन सी राशि है साइन, किसके नक्षत्र में है स्टार, वो सब लॉर्ड जो असाइन हुआ है कहां से चला है और कहां तक रहेगा, कितने ड्यूरेशन का है, राशि लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है, हर एक पर्टिकुलर नंबर की एक फिक्स पोजीशन दे दी है। जैसे मैं 9 नंबर की बात करता हूं तो आप देखेंगे मंगल केतु शनि। मान लीजिए जो ये सब लॉर्ड है, जो मैंने अभी सब लॉर्ड लिया 9, अब 9 नंबर की एक फिक्स पोजीशन होगी, वो आपकी असेंडेंट की पोजीशन बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है। तो यहां हमने एक जो नंबर लिया, अब व्यक्ति आपके पास आया, उसने एक क्वेश्चन करा, हमने उसे एक अलग नंबर लिया, तो हो सकता है वो कोई और नंबर दे, तो ये क्या है, हर नंबर के लिए एक अलग अलग कुंडली बन जाती है।
अलग अलग कुंडली बन जाती है। अलग अलग बनने से आपके आंसर भी अलग अलग होंगे और जो आपने अब तक जितने भी रूल पढ़े हैं, चाहे वो आपने जन्म कुंडली में पढ़े हो, नेटल चार्ट के अंदर जितने मैंने रूल पढ़ाए हैं, चाहे वो आईपी के अंदर पढ़े हैं, चाहे हॉररी के अंदर पढ़े हैं, किसी भी चीज में आपने पढ़े हैं, उन सभी रूलों को आप इस हॉररी कुंडली पर लगा सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। अब जो हमारा जो पार्ट है हॉररी का, उसे समझने के लिए हमें एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको समझना होगा कि सर इसको यूज कैसे करते हैं। अब पहला ही फंडामेंटल बड़ा क्लियर है, इन्हें यूज करने के लिए यदि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है और बेसक है भी, यदि आप हॉररी कुंडली यूज करते हैं तो जीवन में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लेंगे। यदि सामने वाला क्वेश्चन करता है आप सीधा हॉररी लगाएं। अब हम आज इनको क्वेश्चनों की फॉर्म में एक एक करके देखते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक कोई भी क्वेश्चन करा कि सर मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं। अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन वाइज लेते हुए चलेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे हॉररी को देखना है। पहले रूल लिख लीजिए, हॉररी रूल्स, पहले रूल लिख लीजिए, रूल लिखवाता हूं। जो रूल नंबर वन है वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले लिखिए 1 to 49, एक नंबर लेना है, टेक ए नंबर इन बिटवीन 1 to 49 एंड मेक ए हॉररी कुंडली। वो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी बना सकते हैं, IIG टूल में आप जाएंगे और जो पहला ही ऑप्शन है वो हॉररी का है, वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर सिलेक्ट एक नंबर आ रहा है 1 to 49, और यदि आप सामने वाले से भी नंबर नहीं लेना चाहते हो सकता है नंबर लेने में कोई प्रॉब्लम हो, या वो नहीं देना चाहता, या आप भी नहीं लेना चाहते, तो आप टॉस बटन करके नंबर ले सकते हैं। तो पहला रूल है, आपको एक नंबर लेना है इन बिटवीन 1 to 49 एंड मेक ए हॉररी चार्ट। आपको सबसे पहले हॉररी चार्ट प्रिपेयर करना है, बनाना है। अब रूल नंबर टू क्या कहता है, जिस भी रिलेवेंट हाउस का क्वेश्चन है, जो भी रिलेवेंट हाउस का क्वेश्चन है, अब फॉर एग्जांपल मान लो धन का क्वेश्चन है तो सेकंड हाउस हो गया, मीटिंग का क्वेश्चन था तो थर्ड हाउस हो जाएगा, मैरिज का क्वेश्चन है, विवाह का क्वेश्चन है, सेवंथ हो जाएगा, चाइल्ड का है, फिफ्थ हो जाएगा। रूल नंबर टू कहता है रिलेवेंट हाउस, अर्थात जिस भी रिलेवेंट हाउस का क्वेश्चन है उसका हमें उस कस्प का स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड इन स्टार, इन दो को नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद ये देखना है कि उनके सिग्निफिकेटर क्या है और कंबाइन कर देना है। स्टार लॉर्ड है ना कि सब लॉर्ड है ना सर? सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड लेना है, देन सब लॉर्ड इन स्टार वही नक्षत्र लॉर्ड लेना है, और फिर सभी को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद जो भी रिलेवेंट हाउस का क्वेश्चन है, यदि उस क्वेश्चन के रिलेवेंट सिग्निफिकेटर आपको इन कंबाइंड सिग्निफिकेटर में मैच करते हुए नजर आते हैं, तो आपके ये जो रूल नंबर टू है ये बताता है कि आपके काम की पॉसिबिलिटीज, अर्थात आपका जो कार्य है वो होगा या नहीं, सिर्फ पॉसिबल कंडीशन ये चेक कर रहा है, पॉसिबल कंडीशंस आपकी है या नहीं। अब जो रूल नंबर तीन है, इसी के पैरेलल रूल नंबर टू के साथ में एक और भी रूल है हॉररी का, रूल नंबर टू लिख लीजिए, थर्ड लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। जो भी रिलेवेंट हाउस है, से सपोज आपने धन का क्वेश्चन करा कि मेरे पास धन में करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड यदि 2, 6, 11 को सिग्निफाई करता है तो आपके पास
बड़ी मात्रा में धन होता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए मान लीजिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं लेना, हमें नहीं लेना, हमने केवल सीधा क्या करा, हॉररी कुंडली बनाई। हॉररी कुंडली बनाने के बाद हॉररी के कुछ रूल्स में लिखवा रहा हूं, रूल नंबर 2 में आप चेक करते हैं दिस ये कार्य आपका पॉसिबल है या नहीं, तो रिलेवेंट हाउस हम ले लेते हैं। अगला रूल जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो लिखवा रहा हूं, फिर आपको ये भी देखना है बेशक इस रूल से पहले इस रूल को चेक कर लें कि जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं। क्वेश्चन की जेन्युइनिटी जानना बहुत जरूरी है। आया तो वो विवाह के बारे में बात करने था, परंतु सामने पीछे 2-4 व्यक्ति बैठे थे, अंदर से निकले, उन लोगों ने कह दिया कि अंदर मेरे 2 मकान के हो गए, उसके मन में भी लालच आ गया, मैं भी अपना मकान का क्वेश्चन कर लेता हूं। जिस क्वेश्चन के लिए आया है वो तो उसने छोड़ दिया, अब वो दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो व्यक्ति आया है उसके मन में जो क्वेश्चन है वो रियल है या नहीं। लिख लीजिए फॉर चेक रियल क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो रियल है या नहीं ये चेक करते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखिए आपको ये देखना है मून और मून स्टार, अर्थात चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र यदि प्राइम हाउस, प्राइम कस्प और रिलेवेंट कस्प बैठा होगा तो क्वेश्चन रियल होगा। कैसे, जब भी आपके पास व्यक्ति आया है उस समय चंद्रमा एक राशि में होता है और चंद्रमा का एक नक्षत्र होता है, वो आपको देखना है वो प्राइम कस्प अर्थात धन की बात चल रही है सेकंड हाउस में बैठा हो D1 चार्ट के अंदर, या 2-6-11 में से किसी एक भाव में अगर बैठा होगा तो क्वेश्चन जेन्युइन होगा, अर्थात ये व्यक्ति का आंसर जो भी आप देंगे और जो भी होगा उसकी जेन्युइनिटी की पॉसिबिलिटीज भी है और वास्तव में उस व्यक्ति को पेन है, वो आया है, रियल बात का पता चल जाएगा। ये बात यहां से आपने रियल और नॉट रियल की चेक करनी है। अब ध्यान से सुनना, ये जो रूल नंबर इसे 2 कर लीजिए, इसे 2 कर लीजिए, इसे 3 करेंगे समझाने के लिए। अभी सबसे पहले आपने हॉररी कुंडली बनाई, हॉररी कुंडली करने के बाद आपने ये चेक करा कि इसका क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं, रिलेवेंट हाउस से रिलेट करता है नहीं करता, बैठा या नहीं बैठा, कौन चंद्रमा का या चंद्रमा का नक्षत्र, आपने ये देखना है। देन ये कार्य अगर होगा या नहीं होगा, मान लीजिए क्वेश्चन रियल है, अब रियल से तो बात नहीं बन रही, होते पूछेगा मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा, आपको जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए ये रूल नंबर जो 3 है जो पहले करा चुका हूं, वहां रिलेवेंट हाउस में यदि उसके सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के अंदर जहां भी जो सिग्निफिकेट आए हैं कंबाइन करने के बाद, यदि वहां सिग्निफिकेट रो में 2-6-11 और लिख लेना ब्रैकेट में 2-6-11 एनी वन नंबर भी अगर आता है, एनी वन नंबर, तो भी कार्य होगा। ये पहले लिख लें, रूल नंबर 3 के अंदर जो भी सिग्निफिकेट आएंगे यदि रिलेवेंट हाउस से संबंधित, उन सिग्निफिकेटरों में एक भी सिग्निफिकेटर अगर है तो आपके कार्य की पॉसिबिलिटीज यस है। अगर किसी के तीनों या पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है तो इसको ऐसे डिवाइड करना है, मान लीजिए 3 आपके पास सिग्निफिकेटर है, 2-6-11, अगर किसी के 2-6-11 पूरे ही आ जाएं तो समझ लीजिए वो करोड़पति के रास्ते के नजीक है, उसका कार्य 100% पूरा होगा, या उसके पास जो धन की मात्रा है वो बहुत अधिक होगी। यदि 2 है तो 50%, 1 है तो 25%। इस हिसाब से इन सिग्निफिकेटरों को कम बढ़ती का ये मैटर होता है, यदि पूरे आ जाए तो वो परसेंटेज मात्रा बढ़ जाएगी, यदि कम रहेंगे तो थोड़ी कम होती चली जाएगी, और यदि नहीं है ये सिग्निफिकेटर तो जेन्युइन क्वेश्चन तो जेन्युइन है परंतु आंसर नहीं है, करोड़पति नहीं बनेगा। तो जो रूल नंबर 2 है ये क्वेश्चन की जेन्युइनिटी के लिए है,
क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सिग्निफिकेटर और रिलेवेंट हाउस के सिग्निफिकेटरों पे जाना पड़ेगा। सिग्निफिकेटर यदि आते हैं तो यस और नहीं आते तो नो। इस हिसाब से आपको अभी ये रूल टेस्ट करने हैं धीरे धीरे। पहले मून और मून का स्टार हो गया, तीसरा रूल जो लिखवाया वो रिलेवेंट कस्प का, ये सिग्निफिकेटर। एक रूल और लिख लीजिए, रूल नंबर चार। रूल नंबर चार क्या कहता है? ये होरनी के रूल लिखवा रहा हूं सारे। रूल नंबर चार कहता है सर, यदि मून का स्टार, यदि मून का स्टार असेंडेंट का सबलॉर्ड बन जाए तो भी कार्य का रिजल्ट यस होगा। यह भी लिख लें, यदि किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन किया व्यक्ति ने, तो आपको बेसिक रिलेवेंट हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, सिग्निफिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि यहां मून और मून का स्टार अर्थात सॉरी मून का स्टार असेंडेंट का सबलॉर्ड बन जाता है तो आपके कार्य का जो रिजल्ट है वो यस है। ये चार रूल्स जो मैंने बताए, पहला रूल है रियल चेक करने के लिए, रूल नंबर टू जो मैंने बताया कि वो ये देखेगा कि क्वेश्चन आपका जेन्युइन है या नहीं, रूल नंबर वन में आपने हॉररी बनाई है, दूसरे में रियल चेक करा, रूल नंबर तीन में आपने ये चेक करा कि कार्य यस होगा या नो होगा, क्या हो रहा है, और चौथा भी उसके यस और नो का ही जवाब दे रहा है। ये पूरा एक पार्ट बना, अभी चार रूलों का एक पार्ट आपके सामने हॉररी का मैंने आपको शो कराया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर आपने पॉसिबिलिटीज तो ये बता दी कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी पॉसिबिलिटीज हाँ है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हॉररी से ये कैसे निकाले कि ये कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? तो आगे जो अब आएगा, ये चारों को मैंने एक बंडल में रखा है, एक ही रूल समझ के काम कर लीजिए। अब मैं रूल नंबर उसे पांच भी लिख रहा हूं ऑब्लिक टू कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से दूसरा रूल है। ये चारों रूल आपने देखने हैं, देखने के बाद अगला जो रूल आएगा फिर लिखेंगे आप, लिखिए जो भी हमारा रिलेवेंट कस्प था, जैसे धन की बात थी तो धन की बात के लिए कौन कौन से चाहिए, 2, 6, 11 लिखिए। रूल नंबर जो टू है अर्थात रूल नंबर फाइव जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, फिर लिखेंगे नॉट डाउन, नॉट डाउन करना है प्लेनेट सिग्निफिकेटर, किसके सिग्निफिकेटर नोट डाउन करने हैं, जो हमारे उस रिलेवेंट कस्प के, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके कुछ रिलेवेंट होते हैं, जैसे धन का क्वेश्चन चल रहा है तो धन प्राइमरी टू, उसके रिलेवेंट हाउस कौन कौन से हो गए, 2, 6, 11 अर्थात दूसरे छठे और ग्यारहवें भाव के हमको क्या नोट कर रहे हैं, प्लेनेट सिग्निफिकेटर, ये नोट करने हैं। फिर रूल नंबर तीन क्या कहता है, कहता है नोट डाउन डी बी ए, जो भी आपके हॉररी के अंदर डी बी ए चल रही है उस डी बी ए को नोट डाउन कर लें। नोट करने के बाद ब्रैकेट में लिखें वर्किंग डी बी ए, जिस पर आपको काम करना है, भुक्ति पे करना होगा हमेशा या अंतरा पे करना होगा, जो आपकी मर्जी। ये भुक्ति या अंतरा ट्रांजिट में किस आरएल में है, किस राशि लॉर्ड पर है, वो प्लेनेट नोट कर लें, वो प्लेनेट कौन है वो नोट कर लें। अब यहां नोट करके लिखे इसी के नीचे नोट, रूल नंबर टू के अंदर हमने केवल क्या करा,
उस रिलेवेंट हाउस के प्लेंट सिग्निफिकेटरों को नोट किया है। रूल नंबर 3 में जो भी आपकी दशा चल रही है उस डीबीए को नोट करा, वो कब से आई है, ट्रांजिट में जाकर उस राशि लॉर्ड प्लेट को नोट कर लिया। अब नोट करके लिख रहा हूं, जो आरएल अर्थात ये प्लेनेट आया है, राशि लॉर्ड जो प्लेनेट बना, वो यदि कस्प, वो यदि यहां लिखना रिलेवेंट कस्प, ये जो रिलेवेंट कस्प है 2611, अर्थात जो राशि लॉर्ड प्लेनेट बना है वो रिलेवेंट कस्प के प्लेनेट सिग्निफिकेटर में आ जाए तो उस दशा में काम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, हमारा क्वेश्चन धन से रिलेटेड था, हमने प्लेनेट सिग्निफिकेटरों को नोट किया, दशा को नोट किया, जब भी जिस पे भी वाक काम करना होता है भुक्ति या अंतरा पे, वो भुक्ति अंतरा किस ट्रांजिट के अंदर किस राशि और प्लेनेट पर है वो प्लेनेट नोट करेंगे। वो जो प्लेनेट बना है 2611 में, इन 2611 में जो भी प्लेनेट सिग्निफिकेटर है यदि यहां पर आता है तो वो ये बताएगा इस दशा की, इस ये दशा हमारे काम की है या नहीं है, पॉसिबिलिटीज कितने ये हमें रिजल्ट देगी या नहीं देगी, ये दशा के लिए बताया जा रहा है। और लास्ट वन लिख लीजिए, रूल 4 लास्ट क्या कहता है, केवल लास्ट कहता है जो भी रिलेवेंट ये जो हमारा प्लेनेट बना है ट्रांजिट में, जो भी हमारा प्लेनेट आया वो प्लेनेट यदि प्राइमरी कस्प का फोरूलिंग बन जाता है तो भी वो दशा कार्य करा देती है, अर्थात जो ये प्लेनेट बना है वो प्लेनेट प्राइमरी कस्प का मतलब है किस जिस क्वेश्चन से रिलेटेड भाव की बात चल रही है उसे प्राइमरी कस्प कहते हैं। यहां हमारी जो बात चल रही है वो दूसरे भाव से रिलेटेड चल रही है, यदि वो दूसरे भाव का कोरुलिंग बन जाए कहीं भी किसी भी लेवल पर आ जाए तो आपका ये जो क्वेश्चन है इस दशा में आपका जो कार्य है वो पूरा होगा। यहां तक 4 रूलों में आपको क्लियर हो जाएगा। केवल यहां हमें प्राइमरी कस्प को देखना है, ये ध्यान रखना कि प्राइमरी कस्प का कोरुलिंग बनना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो दशा काम नहीं कराएगी। केवल क्वेश्चन है कब होगा, फिर अगली दशा देखेंगे। यहां प्रॉमिस चेक करा, ऊपर पहले 4 जो बंडल रूल लिखवाए हैं उनमें केवल पॉसिबिलिटीज चेक करी है, यहां कब काम हो रहा है ये देख रहे हैं। अब रूल नंबर 5 और लिख लीजिए लास्ट, कार्य जस्ट वन हाउस यस, जो भी प्राइम हाउस है। और अब लास्ट वाला रूल कि भाई मेरे काम की पॉसिबिलिटीज भी पता चल गई, सारा कुछ पता चल गया, अब ये घटना कब घटित होगी, तो रूल नंबर लास्ट जो होररी का है, रूल नंबर 5, उसको बोलते हैं फाइंड डेट। किससे निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखे आरपी नाउ, फाइंड डेट आरपी नाउ। इसका क्या मतलब है, जिस समय उस व्यक्ति ने क्वेश्चन करा आपने नोट डाउन कर लिया, हॉररी आपने लगा दी, हॉररी लगाने के बाद आपने पॉसिबिलिटीज चेक करी, दशा चेक करी, कोरुलिंग को चेक करा, आपको सारी पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब वो पूछेगा सर ये काम कब होने वाला है,
तो जिस समय आपने क्वेश्चन लगाया था उसे लिख लें, उस टाइम पर आरपी कौन है नोट कर लें, आरपी नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको केवल सन को चलाना है, क्योंकि सूर्य से ही क्या निकलेगा, उसका ईयर निकल जाएगा, कौन से मंथ और कौन से ईयर में काम हो रहा है। यहां से आप आरपी रन करेंगे और आरपी रन करके आप उसकी डेट निकाल सकते हैं कब उसका कार्य हो रहा है। वही आरपी मैंने पहले आपको कराई हुई है ऑलरेडी, बस आपको आरपी निकालनी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सन आरपी को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके यहां पर जो आरपी लेनी है वो हमेशा 232 ये वाली आरपी आप लेना, केवल ये वाली 232 का मतलब है अर्थात मून स्टार लेना हमेशा, लगन स्टार लेना हमेशा और लगन का सब लॉर्ड, ये 232 आरपी कहलाती है। इन्हीं को सिलेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे अंदर, वहां पर हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से भी आरपी को घटा और बढ़ा सकते हैं। जिस भी आरपी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 232 वाली को सिलेक्ट करें और देन सन के सन का ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आप रन करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कब उसका ये कार्य हो रहा है कंप्लीट। ये जितने भी मैंने स्टेप लिखाए ये सारे हॉररी के स्टेप हैं, परंतु यही सेम स्टेप आप दशा में भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यही दशा के होते हैं, यही हॉररी के होते हैं, बस हमारे पास यहां क्या है थोड़ा सा हम मून और मून स्टार को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं है। इस सपोर्टिंग हाउस को नहीं लेंगे जी, सपोर्टिंग हाउसेस अगर 2, 2, 6, 11 है तो वो सपोर्टिंग हाउसेस को नहीं कंसीडर करेंगे। यहां प्राइम का कंसीडर माना जाता है सर हमेशा, क्योंकि आपको प्राइम की मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है यहां केवल प्राइम में देखना होगा। अगर सपोर्टिंग में आ रहा है तो सर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज, ये नहीं कहूंगा 100% हो जाएगा, ठीक है वो हर्डल के साथ होगा। कोर रूलिंग में हमेशा प्राइम को देखा जाता है इस रूल के अंदर। हाँ, अब मैं इन्हीं जितने भी रूल अभी लिखवाए हैं अब इन रूल्स को प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो। अब हम जो हमने हॉररी कराई है अभी इसके रूल लिखवाए हैं, अब हम एक हॉररी लेते हैं और हॉररी से स्टेप बाय स्टेप एक दो एग्जांपल और जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके देखो बुक के अंदर जो अभी आपकी बुक अपडेट कर दी गई है वहां पर बुक पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं आप जाकर जहां आपका कोर्स लॉगिन हुआ पड़ा है वहां पर हमने नई बुक अपडेट कर दी है और साथ में जहां जहां इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी वहां पर इंग्लिश भी लगा दी गई है। दूसरा जो चैप्टर नंबर 25 और 26 हैं वहां हमने सारे रूल दिए हुए हैं, टॉपिक के अनुसार भी दिए हुए हैं, उनको फिल्टर भी कर रखा है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि किस चीज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जी इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं है पर बच्चा आजकल पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, इसका पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन है, ये पढ़ पाएगा फेल हो जाएगा, सर क्या रहने वाला है एजुकेशन, इस तरह से टूटा हुआ क्वेश्चन करा है, आप भी क्लियर नहीं है कि हम इसकी हायर स्टडीज देख के बताएं, करंट दशा अभी बच्चा 10th क्लास में है, ये सब बहुत सारी बात निष्कर्ष करने के बाद रिजल्ट निकला। तो उसने क्वेश्चन किया है एजुकेशन से रिलेटेड, अब एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो हमें सिंपल क्या करना होगा, जिस समय उसने करा हमने इस समय की एक नंबर लिया और सबसे पहले एक हॉररी बनाई, इस समय 1, 3, 4 एक नंबर लिया और हॉररी बनाई। सबसे ऊपर आप देखेंगे जब भी कोई चीज बनाएंगे तो ऊपर हॉररी लिखा आएगा और आप देखिए 1, 3, 4 हॉररी नंबर का जो सबलॉर्ड है वो केतु है। ये जो हमने नंबर लिया है हॉररी नंबर 1, 3, 4 ये है सबलॉर्ड है, ये केतु का है। अब हमारा रूल ये कहता है कि एजुकेशन 4th कस्प से देखी जाती है और 4th कस्प
यदि बच्चा एजुकेशन के नंबरों में अच्छा है, अब वही रूल याद करने हैं आपको, तो एजुकेशन के लिए हमने क्या रूल लिखवाए हैं आपको, बच्चा स्टडी में अच्छा होगा 4, 5, 9, 11, ये रूल आपके लिए गुड स्टडी के लिए था कि बच्चा गुड स्टडी करेगा, और वहीं यदि 3, 8 आ जाए तो कहीं ना कहीं इररेगुलर रहने वाला है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इररेगुलरिटी आएगी, ब्रेक होंगे, अस्थाई ब्रेक होगा, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अब हमने ये हमारे सामने पहले क्वेश्चन का ये हमारा मेन प्राइम कस्प है, ये इसके सपोर्टिंग कस्प है। अब हम कुंडली में जाके देखते हैं फोर्थ कस्प का सबलॉर्ड कौन है, शनि। फोर्थ कस्प का सबलॉर्ड है शनि, और किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा के, में लिख लेंगे आराम से। अगला स्टेप है फोर्थ कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। सबलॉर्ड है सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड है मून। अब हम देखेंगे शनि कहां बैठा हुआ है, शनि खुद चौथे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं, हमें यह समझ आ गया यहीं से ही कि शनि चार को दे रहा है, यह आ रहा चार। यदि शनि या चंद्रमा चौथे भाव में या रिलेटिव कस्प में बैठा होता है तो जो क्वेश्चन है वो रियल होता है, कि वास्तव में ही क्वेश्चन जेन्युइन है, इसको प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इसलिए आया है, मजाक करने नहीं आया है। क्वेश्चन की जेन्युइनिटी आपने चेक कर ली। अब क्वेश्चन की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए कि इसकी कुंडली में क्या बनता है, अब हम इनके सिग्निफिकेटरों को नोट करेंगे। शनि क्या क्या इंडिकेट करता है, देखिए 2, 3, 4, 5, 10 True, 3, 4, 5, 10 एंड चंद्रमा क्या इंडिकेट करता है, 2, 10 कंबाइन कर देंगे सभी को मिला के 2, 3, 4, 5 एंड 10। अब आप देखिए केवल यहां अगर गुड नंबर की बात करता हूं तो आप देखिए यहां पर 4 है 5 है, और इरेगुलर अगर 3 भी शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी डिस्टरबेंस आ सकती है इस समय पर। इरेगुलरिटी ओवरऑल लाइफ के अंदर ये दिखाया 3 आने से कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ समय के लिए कोई ब्रेक हो सकता है, कोई री आ सकती है, कहीं एडमिशन के समय पर कोई ब्रेक ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि 3 अगर वहां आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी को दर्शाता है, जिसकी वजह से हमें इस क्वेश्चन का जवाब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इरेगुलरिटी आ रही है। अब ये देखना होगा कि इरेगुलरिटी कब आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम है, कौन सी दशा में आएगी। अब हम दशा को नोट करेंगे। अब हम डीबीए नोट करेंगे। डीबीए नोट करने के लिए आप शो करंट दशा पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे इस समय वर्तमान के अंदर जो दशा चल रही है केतु शनि जुपिटर, केतु शनि जुपिटर, और ये जुपिटर स्टार्ट हुआ है हमारा 1/1/2021 से। हमने डीबीए नोट कर लिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना होररी के अंदर कभी भी दशा का रिजल्ट नहीं देखते हैं, हमेशा भुक्ति का और अंतरा का रिजल्ट ही देखते हैं। अब हम यहां जो अंतरा है वो जुपिटर की है। अब हम पहले ही ये नोट डाउन कर लेते हैं कि ये जो जुपिटर है ये 1 तारीख से किसके ट्रांजिट में आया है। ये जुपिटर
ट्रांजिट इस समय किस समय चल रहा है, एक एक को हम निकाल लेंगे। एक एक 2021 को गुरु चल रहा है शनि की राशि के अंदर, यहां पर हमने सेटर्न लिख दिया। अब जो हमारे एजुकेशन के भाव है उनको नोट करेंगे, 4, 5, 9, 11 जुपिटर के। अब जो ये 4, 5, 9 है इनके नोट डाउन करेंगे, प्लेनेट सिग्निफिकेटर, चार के सिग्निफिकेटर को लिखना है आपने, केतु सूर्य मरकरी शनि, केतु सूर्य मरकरी शनि, पांच के लिखने हैं शनि, आठ का लिखना है सॉरी नौ का लिखना है केतु मरकरी, ग्यारह का लिखना है सूर्य। ये आपने जो हमारे रिलेवेंट कस्प थे उनसे संबंधित प्लेनेट सिग्निफिकेटर को नोट करा और आपने देखा ये जुपिटर सैटर्न को पावर दे रहा है, यहां शनि चार में भी है पांच में भी है, अर्थात 4 और 5 एजुकेशन को दर्शा रहा है। अब हम हर्डल के नंबर जो थे 3, 8, 12 है, क्या इरेगुलर करेगा, क्वेश्चन तो ये था, यहां तो इसने शो कर दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 और 5 है, प्राइम कस्प हमारा चौथा था, हमने प्राइम में भी देखा हर्डल और इरेगुलर। हम ये देखेंगे 3 में शनि आ रहा है कहीं, यस 3 के प्लेनेट सिग्निफिकेटर में भी आ रहा है, क्या 8 में भी आ रहा है, 8 में नहीं है और 12 में भी नहीं है, अर्थात दशा ये कह रही है कि मैं 3 को सिग्निफाई करती हूं और 4 और 5 को भी, तो कोई ना कोई इस दशा में इरेगुलरिटी आएगी, परंतु 4 और 5 की पोजीशन की वजह से दशा अपना काम करा लेगी। अब ये दशा का रिजल्ट है केवल, क्या कोरूलिंग भी क्या कहता है ये चेक करेंगे। अब हमारी पावर थी जुपिटर एट द रेट ट्रांजिट सैटर्न, अब ये शनि केवल ये देख लीजिए चौथे का कोरूलिंग है या तीसरे का कोरूलिंग है, केवल इतना देख लीजिए, चौथे के कोरूलिंग में शनि है, यस है, ये रहा यस, कोरूलिंग देखने का मतलब है सैटर्न चौथे का राशि लॉर्ड भी है सब लॉर्ड भी है, क्या तीसरे का कोरूलिंग है, यस, यहां भी कोरूलिंग है सब सब लॉर्ड का शनि। अब ये कोरूलिंग डिसाइड करेगा क्या रिजल्ट रहने वाला है, दशा ने बता दिया प्रॉब्लम आने वाली है पर मैं निकाल दूंगी, सेम क्या ये 4 का कोरूलिंग है, बच्चा एजुकेशन में प्रॉपर आगे चलता रहेगा, यस चलता रहेगा, कुछ ना कुछ हर्डल यहां शो करा रही है, तीसरा इरेगुलरिटी को दिखा रही है, परंतु इरेगुलरिटी के साथ साथ कंटिन्यूअस एजुकेशन बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी, ये दशा आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेकर आपके नंबरों को मार्क्स को क्लास में पोजीशन को ये ब्रेक करा रही है, इरेगुलर करा रही है, पर निकल जाओगे ये कंफर्म है क्योंकि दशा इस बात को प्रॉमिस कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम हॉररी के रूल्स को चेक करते हैं। अब आप एक एक करके जो भी क्वेश्चन निकलवाना चाहते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं कुछ भी आप लगवाइए, उस हिसाब से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जिन क्वेश्चनों में हमें किसी चीज की डेट निकालनी हो वहां पर हम आरपी करते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हमने, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरा सिलेक्शन मेरा 28 फरवरी 2000
21 को इंटरव्यू है, ये उसने खुद ने डेडलाइन दे दी, ऐसे केस में आरपी की जरूरत नहीं है। अब उसने क्वेश्चन करा कि सर मेरी नौकरी कब लगेगी, ये क्वेश्चन है, मेरी नौकरी कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी, नौकरी कौन से भाव से देखी जाती है, सिक्स हाउस से, जो उसके रिलेटिव कस्प है वो क्या है, 2, 6, 10, 11 है। अगर यदि छठे कस्प का सबलॉर्ड 2, 6, 10, 11 को इंडिकेट कर देता है तो उसकी जॉब लगेगी। अब हम सीधा आते हैं, आपने डीबीए में देख लिया, यस हाँ भाई लग रही है इस दशा में, अब हम ये देखेंगे कब लगेगी, कब लगेगी, उसके लिए लिखिए नॉट आरपी। मान लीजिए इस समय जो आरपी है, जो हमारा क्वेश्चन था उस समय के जो आरपी है वो है वीनस केतु मरकरी, वीनस केतु मरकरी ये आपके आरपी हैं। हमने यहां भी 2, 3, 2 लिए हैं, ये 2 है 3 है 2 है, क्योंकि आप देखिए वीनस ऊपर देखिए जो स्क्रीन है, आरपी नाउ कर सकते हो आप, करंट के लग जाएंगे तुरंत, हमने उसी समय के आरपी ले लिए जिस समय क्वेश्चन को लगाया था। ये रहा वीनस जो लगन का स्टार लॉर्ड है, मून का स्टार लॉर्ड केतु है, लगन का सब लॉर्ड मरकरी है, ये आपने 2, 3, 2 आरपी ले लिए। अब इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करने चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल कहां चले जाइए, देखिए आप आरपी टूल्स पे जाइए, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद सबसे पहले 1 ईयर पे सिलेक्ट कर लीजिए, अब यहां कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लिक करिए और मैनुअल सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर जो 232 आरपी है, वीनस केतु और मरकरी, इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद सीधा कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट जैसे ही आप करेंगे तो तुरंत आपके सामने कैलकुलेशन हो जाएगी और वहां लिखा आएगा 2 अप्रैल 14 अप्रैल 8 मई, और आप देखेंगे ध्यान से देखिए उनके सामने कुछ ब्लू कलर के कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है पाइसिस मरकरी केतु, यूनिवर्सल टेबल खोलिए, मीन पहला लिखा हुआ है मीन मरकरी केतु, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मेष केतु वीनस, मेष केतु वीनस, और तीसरा पॉइंट है मेष वीनस मरकरी, मेष वीनस मरकरी। अब आप देखिए इधर सामने में, तुम्हें आशीष का आसान तरीका और बता देता हूं, ये आपने 232 सेलेक्ट किया और आरपी से कैलकुलेट करके रिजल्ट कॉम्बिनेशन बनाने शुरू कर दिए। ये पहला होता है राशि लॉर्ड, दूसरा होता है स्टार लॉर्ड, तीसरा होता है सब लॉर्ड। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप वर्तमान समय में कोई भी आरपी लगाते हैं उस समय जो सूर्य होता है उसकी पोजीशन होती है वो किस राशि में है, तो सूर्य की जो पोजीशन है वो 25 डिग्री की है, और देखिए सूर्य कहां चल रहा है, मकर राशि में, मकर राशि में है, 25 डिग्री का है। अब यहां से आप देखेंगे ये 232 कब मिल रहा है, मकर के बाद कुंभ आएगी, कुंभ के बाद मीन आएगी। अब आप देखेंगे जो ये पोजीशन निकलनी चाहिए हमारी, जो भी हम पोजीशन निकालते हैं वो पोजीशन जो हमारी कैलकुलेट होकर आती है वो सूर्य के अकॉर्डिंगली हम क्या निकालते हैं, डेज निकालते हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशन आती है वो डेज की आती है,
हम उन डेज को 1 degree इज इक्वल टू 1 day कर देते हैं और वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको मंथ और ईयर, सूर्य हमेशा मंथ देगा, एक साल के अंदर होने वाला कार्य आपका एक साल में जो कार्य होने की क्षमता है वो सूर्य बता देता है। हम ये केवल पॉसिबिलिटीज एक साल तक की निकालते हैं और यदि आपको इससे ज्यादा भी एक्सटेंड करनी है, कोई इसमें और आगे बढ़ना है, तो आप एडवांस आरपी निकाल सकते हैं, तो एडवांस आरपी से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक साल से ज्यादा आपको केस चलाना है तो आप एडवांस आरपी से निकाल सकते हैं। अब इसी केस को अब आप सभी लोग यूनिवर्सल टेबल निकालिए, सभी लोगों ने यूनिवर्सल टेबल निकाल लिया होगा। अब आज थोड़ा सा अगर कुछ लोगों को थोड़ा और अधिक प्रैक्टिस करनी है आरपी की, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या ले रखा था, वीनस, मरकरी और केतु, ये तीन आपके 2-3-2 थे। अब ध्यान से देखें ब्लैक बोर्ड पे और थोड़ा सा चीज को पकड़ने की कोशिश करें, मैं आपको अंदर की कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब डायरेक्ट आरपी कैसे रन करते हैं, जो भी आपके कॉम्बिनेशन आए, जो भी कॉम्बिनेशन आए, उन कॉम्बिनेशनों से, मतलब ये जो तीन आरपी आई इनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले पहला कॉम्बिनेशन तो हो गया वीनस मरकरी केतु, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वीनस केतु मरकरी। हमेशा ध्यान रखना है पहली आरएल है, राशि है, फिर स्टार है, फिर सब लॉर्ड है। अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है मरकरी केतु, मरकरी केतु वीनस। अगला बन सकता है मरकरी वीनस केतु। अब ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने ये 2 का लगाया, 2-7 का बन सकता था, ये दोनों 2-7 के बना दिए, ये 3-6 में बन सकता था, अभी देखेंगे बताऊंगा अभी आपको इसका रूल। अब देखिए ध्यान से, केतु की कोई राशि होती नहीं तो केतु को तो आगे ले नहीं सकते, हमने वीनस केतु का बना दिया, मरकरी केतु का बना दिया, और कोई कॉम्बिनेशन इसके अलावा, मरकरी मरकरी वीनस, मरकरी वीनस केतु बन चुका, यही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि केतु की कोई राशि नहीं है इसलिए और कोई किसी कॉम्बिनेशन पे नहीं जाएंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशंस बने इनसे डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है। आप डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकालेंगे, अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए पहली 5वीं 9वीं, दूसरा 6ठा 10वां, 3-7 11, 4-8 12। पहला जो होती है पहली राशि में हमेशा केतु, शुक्र, सूर्य का है, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि, बुध, ये फिक्स है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिक्स होने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए कौन सी राशि ली हमने पहले एक बार। अब देखो ध्यान से, पहले मैंने इसको 2 राशि नंबर में ले रहा हूं, 2 नंबर किसकी होती है, वृषभ, तुला। 2 नंबर में किसका नक्षत्र आता है, क्या आप देखिए वृषभ में कोई भी बुध का नक्षत्र है, यहां पर देखिए ध्यान से कोई बुध का नक्षत्र नहीं है। 5 नंबर लेंगे ना, 1-5 नंबर से कोई भी। मैडम जिसका पहले आर एल आ रहा उसी का तो लेंगे। शुक्र कौन कौन सी राशियां होती है शुक्र की, 2-7। 2 नंबर में हम गए, 2 नंबर में सूर्य, चंद्रमा, मंगल। सूर्य, चंद्रमा, मंगल यहां इस पोजिशन पे देखो, क्या यहां सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, नहीं है, 2 नंबर राशि कैंसिल। अब 7 पे जाएंगे मैडम, 7 नंबर राशि में देखिए मंगल, राहु,
गुरु, क्या मंगल राहु गुरु कोई भी एक है स्टार पोजीशन पर? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है, काट दिया, पूरा कॉम्बिनेशन गलत है। अगला कॉम्बिनेशन पे जाएंगे शुक्र के पर। अब आप देखिए शुक्र कौन कौन सी राशि है, 2-7। क्या कहीं भी केतु आता है 2 और 7 में? 2 में कहीं सूर्य चंद्रमा मंगल है, केतु आया? नहीं आया। 7 में मंगल राहु गुरु, ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया, खत्म। अब बची मरकरी। मरकरी, मरकरी की कौन कौन सी राशियां होती है? 3-6। अब तीसरी राशि में किसका नक्षत्र आता है आप देखिए, क्या केतु आ रहा है? नहीं आ रहा, ये भी गलत, ये भी हटा दी जाएगी। अब कौन सी बची? मरकरी वीनस केतु। अब आप देखिए 3 नंबर के अंदर, क्या कोई 3 नंबर में वीनस है? नहीं है, सॉरी 3 नंबर, हाँ, और 6 नंबर में कोई वीनस है? नहीं है। तो कई बार ये मैंने किस लिए बताई, ये इसलिए बताया कई बार पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए लोग इस मेथड को जो मैंने अभी करा के दिखाया, इसमें टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने सॉफ्टवेयर पर आएंगे आप, मैनुअल सिलेक्शन करेंगे, सीधा आते ही तुरंत, और जो 232 डालना चाहें आप 232 डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो आ रहा था सीधा मैनुअल सिलेक्शन कर दिया अपना, हमारा था वीनस, मरकरी और केतु, और सीधा कैलकुलेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेगा, जो कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो अपने आप बना के ले आएगा। हमें इसको, ये पहले हम ऐसे ही करते थे हाथ से, तो बहुत 1 घंटा आरपी निकालने में लग जाता था, तो उसका जो शॉर्ट वर्जन बना के दिया वो मैनुअल करके दे दिया हमने, हाथ से आप उठाएंगे और तुरंत डाल देंगे। अब इस हिसाब से आप आरपी से जो है डेट फाइंड आउट कर सकते हैं।